ओके गाइस 4:30 हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला इतना टाइम हो गया। दोस्तों हस्बैंड को रात की नींद नहीं है इन मोटे कपड़े लास्ट बाइट हम पट्टी को ना मैंने कहा ना मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी नहीं पीऊंगा तबला इधर ना बाद में मुक्कर जाना बड़े होते। ओके सो या यही चल रहा है मेरी जिंदगी। ओके तो हमें पसंद नहीं आया है मैं आज मजा आ रहा है। ओके बाय वी आर गोइंग 5 मोर स्टोर्स आफ्टर दिस। आई विश ही आउट हो गया थोड़ा चिल कर गई हूं चिल प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल हैं आपके। कल हमने आलू की पैटीज बनाई थी। पहले मैंने सोचा था कि रेसिपी को शूट किया जाए बट रेसिपी को लेटर हम शूट नहीं कर पाए तो मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाए हैं कि कैसे हमने पफ पेस्ट्री का शीट्स ला के उसको बेल दिया एंड देन उसमें अपने मन मर्जी की स्टफिंग की एंड बेक कर लिया 20 मिनट्स में। बहुत अच्छी पैटर्न। और दोस्तों तो हम लोग यूज़ करेंगे ये आलू का मसाला जिसको मैंने तड़का लगा के बनाया। इसमें हमने छोटे छोटे अनियन थोड़ा सा टमाटर एंड पेपर्स ऐड किए हैं। आप अपनी मर्जी का मसाला बनाएं जैसे परांठे के लिए बनाते हैं। और अब मैं ये पफ पेस्ट्री को अच्छी तरह बेल लूँगी लाइक बहुत पतला नहीं हम करेंगे परांठे जितना पतला करेंगे। उसके बाद इसके छोटे स्क्वेयर्स काट लूँगी देन आलू को अंदर फिल करके उसको बंद करके काइंड ऑफ ट्रायंगल शेप के हम पैटीज बना लेंगे। और सो पैटीज बनने के बाद इसको हम बेक करने वाले हैं 400 degrees Fahrenheit पे अराउंड 12 मिनट में हो जाएगा। गॉश कैन यू स्टॉप इट। ओके सो इससे हम बेक करेंगे 12 मिनट में हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसको बेकिंग शीट पे रख रही हूँ एंड मैं ये फोक को लेके अच्छी तरह कॉर्नर्स को बंद कर दूंगी क्योंकि जब भी ये बेक हो अब पैटी का मुंह खुल नहीं जाए। उसके बाद ये एग का मिक्स मैं ब्रश के साथ ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये शाइनी एंड क्रिस्पी दिखें क्योंकि इससे ना अलग सा कलर आता है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ मिल्क भी लगा सकते हैं। सो ये हमारी पैटीज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार लेयर्स बनी हैं एंड ये खा के ना मुझे इंडिया याद आ गया वहाँ की जितनी डिलीशियस बनी थी पर बहुत फ्रेश थी। आप देखें कितनी क्यूट है। ज़रूर से ट्राई करना आप इसको। हिमा यू वांट टू से समथिंग एंड गाइस वी यूज टोमेटो सॉस फॉर इट पैटीज एंड देन इट बिकमिंग डिलीशियस। गाइज ये झूठ बोल रहा है इसने बिल्कुल नहीं खाई थी। Yeah, I'm just kidding. Sorry, guys. I just want to make you really funny. Just want you to love up. Early आज सुबह हमने दो बची थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने हाफ हाफ खा ली। Guys, this is ब्रह्मास्त्र for someone who is a cook. भिंडी हस्बैंड चाहते हैं कि मिक्स वेज बना ले जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन तो है पर मेनू बहुत भूख लगी है इतना टाइम मैं नहीं ला सकता। व्हाट यू से और यू वांट इट ना जो बनदा बनाओ है ना क्योंकि जब मैंने हिम्मत को लंच एक्चुअली मैं ही बनाऊंगा। चलो फिर भिंडियां काटो। भिंडियां धोती हुई हैं या अब तू ही ना काटियो छोटे तो नहीं काटो नहीं ऐसे तू ही प्याज काट। वैसे तो तुम्हें तो कोई काम कराना नहीं है बट हुन तू ही और नहीं भरावा मैं ही रहना ए तू अपनी मनमर्जी ना कर लो जो करना। सो भिंडी काटने लगी हूं मैं। गैस चलाओ। हां गैस चलाओ। चलो गैस चला दो। ओके गाइस 4:30 हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला इतना टाइम हो गया। हमारे डिनर का टाइम है ये लाइक जब तक मील तैयार होगा तो डिनर का टाइम हो जाएगा और ये हमारा पहला मील है दिन का। सो अनियन काट लिया मैंने। मेरी तो स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है हस्बैंड की स्पीड बहुत स्लो है। गल्ला जिन्नियां मर्जी करा लो गल्ला करने लिए बहुत तेज है बंदा। आज ना मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया था और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि उनको मेरे हस्बैंड की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और कहीं उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको और उनके हस्बैंड लाइक जोड़ी को पति की बातें सुनना अच्छा लगता है। और आज लाइव में किसी ने नहीं कितने सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि उन्हें मैं टीनेजर लगती हूँ।
और मुझे बहुत मजा आया ये सुन के। कह रहे कि तो ये दोनों ही न्याणे लगते हैं। आहो एक मुंडे ने क्या गाइस देखो भिंडियां पत्ती ने लिया दिया पक्कियां। यार एक प्याज मिल जाता ना वो यार रहने दो प्याज थे सॉरी प्यारी Never roll back, I won't go back. Don't wanna waste time with you. Wanted you so bad, didn't hold back. And now I can't forget you. You've got me climbing mountains in my head, 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 head. Tell me all the little So man, thoda sa ye khane wali hu. Chocolate cake banaya tha maine kuch din pehle. Nanna se khaungi zyada nahi. So good. मैं जा रही हूँ वैल्यू विलेज क्योंकि मुझे बैकग्राउंड्स चाहिए कुछ और यहाँ से अच्छे कर्टन्स मिल जाते हैं तो फिर मेरा फायदा हो जाता है। और बाहर आके लग रहा है कि अलग ही काम कर लिया मैंने दुनिया से आज। मैं समय ज़रूर से बिताऊँगी थोड़ा सा बुक्स में पर आलतू फालतू चीज़ें भी मुझे देखना अच्छा लगता है लाइक फ्रेम्स यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। With the pages, with the fish,
बॉक्स रख ले। Lying deep underground, you must have lost your way. Look around. So yeah, पे थोड़ा सा समय स्पेंड करके मुझे नहीं पता आप सुन पाएंगे या नहीं, पर या किताबें अफोर्डेबल रेट में मिल जाए, अगर आपको अपनी पसंदीदा मिल जाए और क्या चाहिए। तो ये है मेरा सामान, ये एक मुझे रैक मिला है जिसे मैं प्लांट्स के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, 399 का, इसे मैं कलर कर सकती हूँ, आयरन का है और वो एक वॉल डेकोर बिल्कुल सही है, मैंने सोचा कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी। और भी बहुत सारा फैब्रिक जिसको मुझे सिलना पड़ेगा और दैट्स मी इन मोटे कपड़े। हैप्पी मील विद द नगेट्स फ्राइज ice coffee. Okay, that's it. Thanks for. Mummy, they don't have to. About to even allow for dinner. No, I'm just fine. और ये दोस्तों तो हमारा दो स्टोर से डन हो गया। ओके सो हमारा दो स्टोर से डन हो चुका है, अब हम चाय पानी की ब्रेक ले रहे हैं, मतलब मैं खा रही हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, हस्बैंड कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, हस्बैंड अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं और मुझे अब रिग्रेट होना शुरू हो भी गया। तो पति को मैं अपना शेयर कर दूँगी। जो हमने डोनट ऑर्डर किए थे वो नहीं दिए, उसने गलती से आइसिंग वाले दे दिया, हमने वापस ले नहीं सकते हमारे लिए। फॉर्चुनेटली हमने कहा था स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग। थैंक यू। ओके सो हिम्मत ने लिया है हैप्पी मील, हिम्मत के डोनट ऑर्डर किए थे उसको दो मिल गए, चार मिल गए। अब मैं खाने वाली हूँ जूनियर चिकन। अच्छा, पति मेरे साथ शेयर करेंगे। अभी भी दे दो तो तुसी अपना भी मैंने माल पत्ता दे दो, क्योंकि टेस्ट मैं करूँगा पहले, मैं देखूंगा कि कोई जहर तो नहीं है मिलाया है लोगों ने, टेस्ट मैं करूँगा पहले, मैं अपनी जान दूंगा। आइस कॉफी कितनी बढ़िया बनाई है आपने ना, लाइक कॉफी ज्यादा है। सो हम लोग कर रहे हैं पेट पूजा। ऑस्ट्रेलिया में जूनियर चिकन नहीं मिला करता था, तो जो उनका मैक चिकन है वो मैं पूरा कभी नहीं खा पाती थी, दो चार बाइट लगे मैंने बेंच उठना बंद किया, फिर मैंने खाना बंद कर दिया। पर जब से मेरे पति ने मुझे बताया कि ये बच्चों वाला बर्गर है तो ये मैं खा पाती हूँ। अब मेरे पति पंज खा रहे थे, कोई पंज खा लेता ना, मैं तीन चार खा लेता रहा पहला, कभी नहीं खाते थे जब मैं बॉडी बनाता रहा, दो खाते तो कोई नॉन जी ना जो पंज खा लेता है। गरम बना बड़ा फ्रेश है, लास्ट बाइट हम पति को दे रहे हैं। नो No, 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 no. 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 क्यों खा? I hate it. Mama thinks that daddy wants to be skinny. That's why. नहीं मम्मी, daddy is thinking कि मम्मी का टेड नहीं बना। I know him. What? Daddy is good. He sacrifices.
खाया प्यारी है, जंगल च बैठे हैं और कुछ खाएंगे। अन्ना प्यार ना देगा प्यारी है। अब बारी आती है डोनट खाने की। जो डोनट हमें गलती से मिले हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें ना स्ट्रॉबेरी की फिलिंग है, किन्नी खुशबू है ना जैम वर्गी। अच्छा मुझे ना इन्होंने प्रॉब्लम है कि गंद बहुत है ना। मैं ठेके पे जाना है। ठेके पे क्यों जाना है? दोस्तों आज इसने मेरा हॉरोस्कोप पढ़ा, उस पे लिखा कि मुझे रेड वाइन पीनी चाहिए। I'm on my way। रुक जो एक सेकंड ना, डोनट खा मुंडे नु दिखान दो। तीन लोगों ने मेरा केड़ा हॉरोस्कोप ऐडा दा जेड़ा दारू पीने लगना। तू फिनिश तो कर ले अपने। केड़ा हॉरोस्कोप ऐडा दा जेड़ा दारू पीने लगना, सानू भी पढ़ा वही भी पढ़ के पिए। जो तू वड्डा होया तू कभी नहीं जाएगा आ वाली बैड ड्रिंक स्टोर्स। गाइस आज हिम्मत ना लिटरली दो महीने के बाद बाहर आया है। कैन यू प्रॉमिस मी डैडी लिसन, आज ना हिम्मत दो महीने के बाद बाहर आया है और एक्चुअली हम तीनों लोग एक साथ दो महीने के बाद बाहर आए हैं। आपने भी आज कितने दिन के बाद ये व्लॉग में हमें एक साथ देखा होगा, मुझे भी अजीब लग रहा है व्लॉग करने के लिए। सो हिम्मत जो भी चीज देख रहा ना वैसे करा, कि मुझे पता है जब पुराने दिन थे तो ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था जिद्दा ना पता नहीं जंगल जो हो गया है। और आज भी आने के लिए मान नहीं रहा था। अब ये बैड ड्रिंक के स्टोर में कह रहा मुझे पता है जब पुराने दिन थे तो इस बैड ड्रिंक पे हम लोग गए थे, जिद्दा पता नहीं सदियां बाद आया। बैड ड्रिंक स्टोर नु आया करना जिद्दा इत्थे। सही कहंदा मुंडिया, आई एग्री विद यू। बैड ड्रिंक मैनू कहंदा मैं प्रॉमिस करदा कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, कर ला इहदे नाल बाद च मुक्कर जाना वड्डे होके। मम्मी आ वीडियो डैडी का फोन है। यू प्रॉमिस आई विल प्राउड ऑफ यू। You will be like your mommy, the cutie pie, right? Mimi and mommy, the cutie pies. Manu kya fries hai? Ek roti dunga ek. Mental stress dur karungi, kadi kadi lalani chahiye. Mental ki kehna hai, pyar da nasha hona chahiye. Pyar hi hai, ye nasha to utar jata hai. Nasha idda na karo jehda sara khumar chhodya hai. Nasha koi bhi nahi changa na pyar da nasha. Tu aap din aap ne jehdi teacher नाम कुमारी दा नशा जड़ा हो बाबे दी। गाइस फ्राइज ना कट पे गई आज बने आ रहा। थैंक यू स्वीटी। ओह हिमा गिव मी सो मेनी फ्राइज। यू आर सच अ ब्यूटी पाई। एंड द स्टोर मेकर फ्राइज। दिस टू फॉर मी। एंड दैट्स काइंड। दैट्स सुपर काइंड। वेलकम। ओके दोस्तों, तो मैं जो आउटफिट बनाने वाली हूँ मेरा, उस पर मुझे स्पेशल फुट की ज़रूरत थी मेरी मशीन के लिए। मुझे लगता था कि मुझे फैब्रिक लैंड से मिल जाएगा और उनके पास नहीं था, या तो मैं सिंगर से डायरेक्ट वो चीज़ खरीदूँ, क्योंकि मुझे दो तीन डिफरेंट किस्म के फुट चाहिए डिज़ाइन करने के लिए कई चीज़ों को, यहाँ से नहीं मिला है। पर उसने लेडी वहाँ पर जो काम कर रही थी उसने कहा कि मुझे मिल सकता है माइकल से, क्योंकि वो सिंगर की मशीन भी सेल करते हैं तो मशीन के थोड़े से पार्ट्स भी करते हैं। वॉलमार्ट पे भी मैंने चेक किया, नहीं था। अमेजोन पे है पर बहुत महंगा है, पर अगर मुझे यहाँ से नहीं मिला तो फिर मैं अमेजोन से लूंगी। सो या यही है। और फैब्रिक लैंड से मुझे एक फैब्रिक भी मिल गया है नया, हर बार मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है और अभी उसको भी मैं कुछ करूंगी। और बाकी आलतू फालतू एक्सेसरीज ली मैंने अपने आउटफिट के लिए, रीला सुइयां कई कुछ, सो वो किया है मैंने। और थ्रिफ्ट स्टोर गई हूँ, माइकल जाना चाहती हूँ मैं। और जो लॉरियल का नया फाउंडेशन है ना, पाउडर फाउंडेशन, उसे भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। वो मुझे पता नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लॉरियल से मैं बात भी कर रही थी, पता नहीं वो मुझे कब मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है उसको ट्राई करने के लिए। अब मैं शॉपर्स में देखूंगी कि ये वाले शॉपर्स में है या फिर यहाँ पे जो वॉलमार्ट है। ओके सो यही चल रहा है मेरी जिंदगी में। और दूसरी चीज है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले अगर आप मेरी लाइव अपडेट देखना चाहते। लाइव भी कहती हूँ मैं वहाँ पे, सो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नन्नी मन्नी सी एवरी डे की वीडियोज या मेकअप की वीडियोज, ब्यूटी वीडियोज, हेयर वीडियोज, छोटे छोटे रील्स उसमें मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज आपका वहाँ पे मुझे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो चीजें यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। और ये जो दारू की दुकान है इसमें बहुत ज्यादा राश है दोस्तों, लोग की कमले हो गए।
चाहे लोग की सोचते कदों बंद हो जाएगी ना वाला, पर मुझे लगता है कि ये तो खुली रही होगी, नहीं ये तो नहीं बंद होगी, असेंशियल ही है ये कई लोगों के लिए. व्हाट यू से बैड ड्रिंक इज असेंशियल? यस और नो? ओके दोस्तों, तो माइकल स्टोर में पहुंच चुके, मैं जा रही हूँ इन्हें दोनों को छोड़ के, ये दोनों बहुत रौला पाते हैं. ओके आई विल बी. वो दिन आ गया जब ये स्टोर खुल गया और मुझे जाना है, हिम्मत जाने के लिए मना कर रहा, कहता कि नहीं राइट वे कर चलो, पर मेरे पति प्यारे क्यूटी भाई मान गया. सो मैं और हस्बैंड जा रहे हैं अंदर, हिम्मत कर ला अच्छी रहेगा. आई डोंट नो, इतने ना दुकान पे बहुत ज्यादा रश है आज, लोग क्यों हो गया कमरे सामान खरीद खरीद के. We are in that store. Going to the home, but Mama needs something to get here, and we are here. Something for her T-shirt, for her dress. इनके ये जो हैंड टॉवल्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें ना हाथ बहुत बढ़िया ड्राई होंगे. जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे हाथ बहुत अच्छी तरह ड्राई चाहिए, तो ये लेने वाली हूँ. लुक एट दैट शीशा दोस्तों, इधर सही है. मुझे ना बड़े बड़े मिरर चाहिए, जैसे हम लोगों ने विनर्स को मिस किया वैसे ही बहुत सारी दुनिया ने भी किया, ताई ऐसे ना तर थल्ली माची है दोस्त, बहुत ज़्यादा ही दुनिया. इतने ज़्यादा शीशा है 200. Mimi, what you looking for? Maple syrup? ओके सो हमारे जो किचन के मैट है वो ख़राब हो चुके हैं, जो मुझे चाहिए वो कुछ इस किस्म का है, पर ये जो है इसका रंग अच्छा नहीं है, लाइक बहुत लाइट कलर का है. मुझे चाहिए डार्क, क्योंकि ये वाला फ्लोर पे बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा. मुझे चाहिए कि जो फ्लोर के साथ मैच हो जाए, एंड पर ये है वो वाला ही जिसपे नॉन स्लिपरी, आपके पैरों को सपोर्ट करता है एंड स्टेन्स भी नहीं लगता. ये लड़का बहुत ज्यादा बात कर रहा है, इसे यहाँ से भेज देते हैं. ऑलराइट, मुझे यहाँ पे मिले हैं ये रोल, ये बड़े साइज के लग रहे हैं और इनमें कलर भी अच्छा है, मैं थोड़ा यहाँ से देख लेती हूँ शायद मुझे अच्छा लगता है. ओके तो हमें पसंद नहीं आया है, मैं और हिम्मत जा रही हूँ. ओके बाय. Enjoyed this video. We're going to go to the house again, and we're going to make plenty more. Subscribe is right here. The bell is. तू हर जगह ना ये बोलना शुरू कर देना. Mimi, we are going 5 more stores after this. No. Never. I see you spending day. I wish यहाँ पे हो वो product. Cause I've been singing songs, wondering what I did for you. Came along, oh, you're just what I need. The best part of me, oh, it keeps getting. I don't know, yahan par unhone launch hi nahi kiya ya kya problem hai. Tasme khol ke dosto mere dekh jana mood par na. Wanna get these cute pies? ऑलराइट, जो वॉलमार्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वहाँ पे ये डेजर्ट बेज के वेट एंड वाइल्ड के फाउंडेशन का मेरा वाला कलर नहीं है या नहीं था वहाँ पे, तो उन्होंने उसका सेक्शन ही उड़ा दिया, पर यहाँ पे है. सो मैं ये वाले दो लेने वाली हूँ, मेरे फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस डेजर्ट बेज एंड ये मिलानी का. आई एम वेरी हैप्पी. सो इनके पास एक्चुअली सारे शेड्स हैं, ये है वॉलमार्ट बर्लिंगटन. तो ट्रॉली लेना भूल गई थी, अब मैंने ले ली है. Now we can shop quickly. Chill kar diya hai, chill. Lately life's been a fleeting breeze. Long vacation. Dekho dekho dardiyan nahi hai. Magi. Oye andar wale da mainu bhi laga ek. Main dar gayi, mujhe langdi hai.
और दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि इन्ना घूमे सी, सो घर जाके मैंने एक्चुअली व्लॉग नहीं किया है, तो आई एम वेरी सॉरी। इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. That's easy, it. Easy, women's squeezy.